श्रावणी मेला में महज 11 दिन शेष बचे हैं। वही जिला पदाधिकारी के निर्देश पर पर्यटन विभाग के द्वारा धांधी बेलारी पंचायत में टैंट सिटी तैयारी युद्ध स्तर से की जा रही है, जो 200 कांवरियों को रात्रि विश्राम के लिए बैग की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही पीएचडी विभाग के द्वारा सुल्तानगंज गंगा घाट से लेकर कांवरिया पथ तक युद्ध स्तर से तैयारी की जा रही है, जो धांधी बेलारी के कॉलेज गेट, लखनपुर, तेघड़ा फोल, शौचालय, झरना, पानी टंकी की व्यवस्था करते हुए एक कांवरियों को शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह व्यवस्था युद्ध स्तर से तैयारी की जा रही है और विभाग के द्वारा कांवरिया पथ में मरम्मती का युद्ध स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर परिषद के द्वारा भी गंगा घाट एवं पूरे शहर को चाक चौबंद कार्य युद्ध स्तर से की जा रही है। सभी दुकानदार भी अपने अपने दुकानों को सजाने में लगे हुए हैं। नमामि गंगे घाट में भी उद्घाटन स्थल को भी सजाने का कार्य विभाग के द्वारा युद्ध स्तर से की जा रही है। अपनी मेला को लेकर 200 बेड का टेंट सिटी बनेगा। जी जी, कहाँ बन रहा है ये, कौन सा जगह है? ये असरगंज है। असरगंज धानी बेलाड़ी अभी ऑलरेडी हम लोग प्रपोज किए थे सुल्तानगंज के। जी जी, सुल्तानगंज में लोग बोले कि उससे अच्छा है कि आप यहाँ बना लीजिए, तो प्रशासनिक लोग यही पर। तो कितना कंवरिया इसमें ठहरेंगे? 200 बेड का। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में गुरुवार को दोपहर हल्की बारिश होने पर नगर परिषद के द्वारा साफ सफाई की पोल खुल गई है, जो गंगा घाट में कांवरिया गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर पैदल बैजनाथ धाम के लिए नमामि गंगे घाट से बाहर आने पर रास्ते में गंगा नाला का पानी से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में कांवरियों को काफी परेशानी हो रही है। कांवरियों का साफ कहना है कि व्यवस्था सही नहीं है, हम लोगों को नाले का गंदा पानी से होकर गुजरना पड़ता है, ये व्यवस्था को सही करने की जरूरत है। गंगा घाट का धाम तो ठीक है, लेकिन रास्ते का जो रास्ता है ये नहीं सही है। ये सही नहीं है? हाँ, ये पानी उनी लग जा रहा है, ऐसा बिजली हो जा रहा है, भीड़ भाड़ में मान लीजिए कितना लोग गिर जाएंगे, घायल हो जाएंगे। नाला का सफाई नहीं होने की वजह से ऐसा है? नाला का सफाई नहीं होने की वजह से है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले आज भागलपुर में कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय गेट पर धरना दिया। इन लोगों का कहना था कि किसी भी हालत में जनसंख्या पर नियंत्रण हो और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इस पर अंकुश लगाया जाए। जनसंख्या फाउंडेशन का शिष्टमंडल भागलपुर के जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज का ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में चल रहा है, आगे भी इस तरह का चलता रहेगा। धरना दी बोलिए। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पे आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया है, क्योंकि इसको हम लोगों को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपना है, जिलाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाना है, इसी के लिए हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे, उसी के लिए हम लोग जनसंख्या समाधान को लेकर के धरना दिए हैं। आज हम लोग, जैसा कि हम लोग अभी सभी जान रहे हैं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, और हम लोग पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग इतने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले हम लोग आज अपने केंद्र में प्रधानमंत्री जी को एक अपने अपने जिले में ज्ञापन सौंपेंगे डीएम साहब को, और उनके द्वारा हम लोग प्रधानमंत्री जी को ये अवगत करवाएंगे कि ये जो कानून है ये जल्दी से जल्दी देश में लागू हो, ताकि जो जनसंख्या जिस तरह से वृद्धि हो रही है और जिस तरह से हम इस चुनौती का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये जो विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही है पूरे देश में, उसको लेकर के हमारे सभी जगह सभी कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन देकर अपनी अपनी मांगों को लेकर के। माँ आनंदी संस्था महिलाओं के लिए काफी बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। आज माँ आनंदी संस्था की ओर से सैंडिस कंपाउंड एरोबिक स्थल पर सबौर स्थित बाबूपुर ग्रामवासी सुशीला देवी, जिनके पति का देहांत आज से कुछ दिन पहले हो गया था, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई और जीवन यापन बहुत ही मुश्किल हो गया, उन्हें संस्था की ओर से किराने का दुकान खुलवाया गया ताकि अपने साथ साथ परिवार वालों का भी जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। अभी तक संस्था की ओर 200 से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया गया। इस वर्ष 500 से अधिक महिलाओं को उद्यमी बनना संस्था का लक्ष्य है। संस्था के सभी सदस्य मौजूद थे। मेरा नाम सुशीला देवी है, रजनदीपुर पंचायत है, घर बाबूपुर रहने वाले हैं। हम आए हैं एक दुकान के लिए, किराना दुकान के लिए। कहाँ आए हैं? माँ संस्था आनंदी, माँ संस्था आनंदी दीदी रहा दुकान करने के लिए।
संस्था की ओर से चलाए जा रहे महिला उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम के तहत सबौर स्थित बाबूपुर ग्राम की सुशीला देवी दी हैं, जिनके हस्बैंड नहीं है। आर्थिक स्थिति काफी खराब होने की वजह से उनकी जो स्थिति है वो परिवार जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। तो हमारी संस्था की ओर से उन्हें किराने का दुकान जो ग्रोसरी शॉप के लिए जितने भी सामग्री होता है हमारी संस्था के द्वारा इन्हें प्रोवाइड की गई, ताकि वो अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को भी सुचारू रूप से संचालित कर सके।